इंडिया न्यूज में और हम इस वक्त मौजूद है सुल्तान मुमरा हजरत सैयद ख्वाजा फखरुद्दीन शाह बाबा रहमतुल्लाह के आस्थाने पर। और देखा जा रहा है कि ये कोरोना वायरस के चलते जो लॉकडाउन रखा गया है इसका असर यहाँ पर भी देखने को मिला है। जायरीन की तादाद दोपहर के वक्त में इतनी ज्यादा नहीं होती थी लेकिन बिल्कुल भी कम नहीं होती थी, जिस तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो परिसर है पूरा दरगाह का जो सहन है यहाँ पर इस वक्त औरतें बैठी रहती थी यहाँ पर इबादत के लिए, ये औरतों के बैठने की जगह है। और जिस तरह से देख रहे हैं कि रिनोवेशन का भी काम चल रहा था दरगाह के, और लेकिन तब भी यहाँ पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ रहती थी। कहा जाता है कि असर के वक्त जो लोबान के लिए लोग जमा होते थे यहाँ पर, उसके लिए भी यहाँ पर कमी देखने में आई है, काफी लोग कम आते हैं यहाँ पर। दरबार इस वक्त खुला है लेकिन बाहर से ही लोग जियारत करके निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप मेरे पीछे, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि साथ में आइए आगे, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दरबार में जो दरबार है हमारा, मैं कहूंगा दरबार दिखाइए आप, कि जो दरबार है उसमें भीड़ काफी कम नजर आ रही है। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको करीब लेके जाके दिखाने की कि किस तरह से यहाँ पर भीड़ में कमी देखने को आई है। कोरोना वायरस का जो यहाँ पर एक खौफ सरकार ने मचा रखा है, जो डर यहाँ पर फैला हुआ है, उसका असर अब दरबारों में भी देखने को मिल रहा है। तो आइए आपको ले चलते हैं इसकी तरफ। अपील करेंगे उन लोगों से जो बस मैं ये अपील करता हूँ कि पूरे लोगों के लिए, आवाम के लिए मिलजुल के सब एक दूसरे को साथ दो, प्रशासन को साथ दो, पुलिस को साथ दो। जिस तरह से प्रशासन और पुलिस साथ दे रही है तो हमारा भी करते हुए कि पुलिस और प्रशासन का साथ देने का, हर लोगों के लिए जितनी बीमारी जल्द से जल्द अच्छी होंगी इंशाल्लाह। अल्लाह के घर जो बंद पड़े अल्लाह ने चाह तो बहुत जल्द से जल्द खुल जावे। जमीयतुल मुस्लिमीन के जो सदर हैं हाजी नईम नजीर खान, उनकी तरफ से क्या आप लोगों को ऑर्डर आया? जी नईम नजीर खान साहब की तरफ से तो ऑर्डर यही है हमारे को कि जितना हो सके पुलिस प्रशासन का साथ दे और लोगों को कहे, बार बार न्यूज ऐलान करे कि अपने अपने घरों पे नमाज पढ़े, नमाज अदा करे। जितना क्राउड जितनी भीड़ रहेगी उतनी परेशानी भी बढ़ेगी और उतनी बीमारी बढ़ेगी। हयात भाई देखा जाए, हमने जब से बचपन से देखा है यहाँ पे कि यहाँ पर कभी इस तरह का माहौल पैदा नहीं हुआ। बाबा फखरुद्दीन शाह सरकार मुमरा के सुल्तान है, उनके दरबार में आपका तो तजुर्बा है, आपकी आधी से ज्यादा उम्र यहाँ पे बीत गई जी, क्या कहेंगे ऐसा माहौल देखा आपने? जी नहीं, ये पहला मौका है, पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, सिर्फ मुमरा और हिंदुस्तान की बात नहीं, बॉम्बे की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड में यही चल रहा है। और लोगों से मेरी अपील है जितना हो सके रश और भीड़ जमा ना करे, कम से कम जल्द से जल्द अल्लाह से दुआ करे, नमाजें पढ़े अपने अपने घरों पे और अल्लाह से दुआ करे कि इस बीमारी से जल्द हमें छुटकारा मिल जाए और हमारे घर, हर धर्म के जो घर बंद पड़े हुए वो सब खुल जावे। दरबारों का बंद हो जाना, मस्जिदों का मुसलमानों पे बंद हो जाना, क्या कहेंगे, क्या मैसेज है मुसलमानों? बस एक मुसलमानों को अल्लाह की तरफ से एक सबक है, अल्लाह ताला ने एक मौका दिया, अल्लाह ताला ने एक मौका दिया इसको, जल्द से जल्द अमल करे और बाकायदा नमाज वगैरह पढ़े, अल्लाह के घर में जाए, अल्लाह किससे दुआ करे, माफी तलाफी ले ले, जो भी गुनाह है अल्लाह ताला बख्शिश कर दे। कि आप लोग घर में रहिए ज्यादा से ज्यादा और भीड़ मत जमाइए क्योंकि बीमारी के फैलने का खतरा है, खतरा है। तो क्या कहेंगे आप लोग, मतलब यहाँ पर जमा है लोग, आप लोग अगर यहाँ के जिम्मेदार या आपके दोस्त है यहाँ पे, तो आपका क्या मैसेज है उनके लिए? हमारा ये मैसेज है कि हम सबसे बोलते हैं अपने अपने घर पे बैठे, लेकिन जब खाने को ही कुछ नहीं है तो घर पे भी कहाँ से बैठे, सब खाने से परेशान है, रक्षा चलाने वाले लोग हैं, रक्षे हो गए हैं बंद, क्या खाएं। लेकिन जैसे मुमरा में बहुत से एनजीओ है, बहुत से लीडर है जो लोगों की मदद कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि आप हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपको जो जरूरत की चीजें पहुंचाएंगे, तो आपने कांटेक्ट किया उनसे? नहीं, हमने किसी से कांटेक्ट नहीं किया और हम किसी का दिया हुआ खाएंगे भी नहीं, सिवाय अल्लाह के।
बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। देखिए लेकिन एहतियात भी जरूरी है और ये भी रहने जरूरी है क्या? और दूसरी चीज आपको मैं देख रहा हूँ, इतने लोग हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पे देखिए आपने रुमाल भी नहीं लिया, जो कि ये भी गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आप मास्क लेके मत, मास्क के बगैर नहीं, जेब में मत रखिए, उसको लगाइए, क्योंकि ये आपकी सेफ्टी के लिए ही है। और आप लोगों से हमारी, हमारे चैनल की तरफ से और प्रशासन की तरफ से भी ये अपील है कि आप उनका साथ दीजिए थोड़ा, क्योंकि आपकी सेहत के लिए किया जा रहा है, आपका परिवार है, फैमिली है, आपके बच्चे हैं जी, बिल्कुल। अगर खुदा ना खास्ता, खुदा ना करे, अगर आपको ये बीमारी लग जाती है या कहीं किसी और से लगती है, तो आपके परिवार का आपको ख्याल रखना चाहिए, है कि नहीं जिम्मेदारी आपको? तो इसीलिए आपको प्रशासन बोल रहा है कि ये चीजें, क्योंकि यहाँ पर देखिए लोग शिकायत करते हैं कि यहाँ पर मतलब गलत गतिविधियां होती है, लोग बैठते हैं यहाँ पर, सुन नहीं रहे हैं, तो ये नाम ना खराब जाए, क्योंकि देखिए ये अभी कोई नहीं मिलेगा आपको बैठा हुआ यहाँ, सबको बोल देंगे अपने अपने घर पे बैठे। और जिस तरह से देखिए दरगाह परिसर है और मुमरा मुसलमानों का इलाका है, और देखा जा रहा है कि पूरे हिंदुस्तान से झड़प की खबरें आ रही है, पुलिस से और प्रशासन से ये झगड़े चल रहे हैं। नहीं, इन कोई झगड़ा करने वाला कोई नहीं है, सब भाग के अपने घर में घुस जाते हैं, तो थोड़ा हवा खाने आते हैं, खाना पीना खा के इसलिए आ जाते हैं नीचे। तो क्या आप अपने दोस्तों को समझाएंगे कि नहीं? सबको समझा देंगे, सब अपने अपने घर पे बैठे जाके, कोई भी यहाँ नहीं रुके। तो खालिद भाई ने कहा है, और मुमरा की आवाम से, पूरे हिंदुस्तान की आवाम से अपील है कि बराए मेहरबानी आपको जो गाइडलाइंस दी गई है, हुकूमत ने जो हिदायत दी है, वो आपकी सेहत के लिए दी है। और ये 21 दिन का लॉकडाउन सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में किया गया है, वर्ल्ड में चल रहा है। तो ये जो इस वक्त दरबार सुल्तान मुमरा के सहन से मेरा पैगाम है, अगर आप उनके चाहने वाले हैं तो उनका वास्ता है आपको कि आप घर पे चले जाइए, क्योंकि हमारे रसूल ने भी फरमाया है कि इलाज से बेहतर एहतियात होती है, तो हमें एहतियात करना चाहिए, क्योंकि ये औलिया कराम का और अकाबरीन का हमारे तरीका रहा है कि अपने सेहत का ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।